अमेरिका में कोरोना वायरस से अभी तक 1,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 34 लाख से ज्यादा कंफर्म केसेस हैं। बायोटेक कंपनी मॉडर्ना COVID-19 की वैक्सीन पर काम कर रही थी और अब कंपनी का कहना है कि फेस 1 टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। कंपनी कहती है कि 45 लोगों को एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन दी गई और ये जो टेस्टिंग है ये मार्च में शुरू हुई। कंपनी के मुताबिक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है, इसने लोगों के इम्यून सिस्टम पर तेजी से और मजबूती से असर डाला। इसमें 2 डोजेस दी गई और कहा जा रहा है कि इससे कोई सीरियस साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। जो अगली चुनौती होगी मॉडर्ना के लिए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस उनके लिए, वो 27 जुलाई को होगी, जब ये जानने समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये जो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है ये लोगों को कोरोना वायरस से बचा पाती है या नहीं। तो ये जो खबर सामने आई है, इससे जो वैक्सीन है, कोरोना वायरस की वैक्सीन है, उसको लेकर उम्मीद बढ़ी है। यहाँ पर अमेरिका में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, पिछले कुछ दिनों से बहुत हैरान परेशान थे, जब से उन्हें पता चला था कि अगर उनके कोर्सेज वो पूरी तरह ऑनलाइन हो गए हैं COVID-19 पैंडमिक की वजह से, तो उन्हें अमेरिका छोड़कर जाना होगा या फिर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इससे जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी पढ़ाई, अपने करियर को लेकर परेशान थे और उनका कहना था कि अगर वो वापस अपने मुल्क जाना भी चाहते हैं तो ऐसे हालात में जब फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं तो वो कैसे जा पाएंगे। जो ताज़ा खबर है वो ये कि ट्रंप प्रशासन के इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें कहा गया है कि अमेरिका के करीब 37 राज्य हैं, उनमें कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम टेक्सास राज्य की बात करें तो वहाँ पर COVID-19 से जो मौत का सिलसिला है वो जारी है, नंबर्स बढ़ रहे हैं और वहाँ के जो कई इलाके हैं वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शव गृह हैं उनके भर जाने की सूरत में, अगर वो भर जाते हैं तो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स हैं उनका इंतज़ाम किया जा रहा है। अगर हम फ्लोरिडा की बात करें तो वहाँ पर भी केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वहाँ 13 जुलाई को 132 लोगों की मौत की खबर है वहाँ पर, और अभी तक फ्लोरिडा में 4,400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। फिलाडेल्फिया शहर, वहाँ से खबर है कि वहाँ पर फरवरी 2021 तक किसी भी बड़े पब्लिक इवेंट को, उस पर रोक लगा दी गई है, जैसे कॉन्सर्ट्स हो गए या फिर और कोई पब्लिक इवेंट है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं उस पर रोक लगा दी गई है। फिलाडेल्फिया में अभी तक 1,600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 27,000 से ज़्यादा कन्फर्म्ड केसेस हैं। विनीत खरे, BBC, Washington DC।